मुसलमान कुरान करीम ने पहले ही शुरू में जालिकल किताब कहा था इसको, किताब। दुनिया की कोई किताब ऐसी है कि जिसकी जुबान आप ना जानते हो और किताब पढ़ते चले जाते हो? कोई किताब आप बता दीजिए, जुबान ना जानना तो एक तरफ, फर्ज करो जुबान जानते भी हो और वो किताब की जुबान जरा मुश्किल हो तो आप एक आध सफा पढ़ के कह देते हैं कि नहीं सब मेरी समझ में नहीं आती। आप किताब पढ़ते हैं ताकि समझ लें उसको। खुदा ने बार बार कहा है कि हमने इसको लिसान अरबी मुबीन में वाज़ह तौर पर इसको बयान किया, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझ सको। किताब को अगर समझ के पढ़ लिया जाता अजीजान मन तो ना मलूकियत बाकी रहती, ना सरमायादारी बाकी रहती, ना मजहबी पेशवाइयत बाकी रहती। साजिश ये की गई कि समझने की बात ये है नहीं, बगैर समझने के, बगैर मफहूम जानने के इनके अल्फाज का दोहरा देना जो है उससे नेकियां मिल जाती। ऐसा चक्कर दिया कि किताब का समझना जो था, समझना किताब का बेमानी हो गया। बगैर समझे हुए इसके अल्फाज का दोहरा देना ऐने मकसूद ये रह गया। आला से आला दर्जे की किसी तबीब हकीम की, फिलोसफर की नुस्खों की किताब, हर मज का नुस्खा जहां लिखा हो उसके अंदर, आप उसको समझे नहीं उस जुबान को, और वो नुस्खे जुबानी याद कर ले और सुबह उठ के उनको नुस्खों को रटते रहे, शाम तक बोलते रहे, कुछ पता ना हो आपको कि सौंफ किसे कहते हैं, तुरंजबीन क्या होती है, और पढ़ते चले। क्या मर्ज की शफा मिल जाएगी इस तरह से? उस किताब का मसरफ मकसद पूरा हो जाएगा? मैंने कहा है अभी के है कोई दुनिया में और किताब जिसके साथ ये कुछ आप करते हो? अजीजा ने मन, इस किताब अजीम ने क्या लिया कि हम उसके साथ ये करते जो किसी किताब के साथ नहीं करते? ये सब इसलिए कि ये समझ में ना आ जाए, कहीं हो ना जाए आश्कार शरे पैगंबर, कहीं ये आज ही की साजिश नहीं है, शुरू से चली आ रही है। ये लगा दो इस लाइन के ऊपर कि दोहराते जाओ इसको साथ बगैर समझे ना। वो आगे जो इमाम खड़ा होता है हाफिज, उसको पता होता है मैं क्या लफ्ज दोहरा रहा हूं, ना ये सुनने वालों को पता होता है कि ये अल्फाज क्या माने रखते हैं। दोनों ही मुतमिन होते हैं कि सवाब हासिल होता है इससे। इस किताब के साथ क्या की? तो हम में और उनमें क्या फर्क है जिनके पास वो किताब नहीं है? फर्क ये है कि हम दोहरे मुजरम है भी किताब, और किताब को इतना, इसको पढ़ना तो कहेंगे नहीं, पढ़ना तो फिर भी वो नाजरा पढ़ा जाता है जो दोहराते हैं। नाजरा पढ़ना भी तो यही होता है, अल्फाज ही होते हैं जिनको दोहराते हैं हम। ये किताब हदायत थी, ये वो नक्शे इसमें दिए हुए थे कि फलां दोराहे पे पहुंचो तो दाएं की तरफ मुड़ जाओ तो इस तरफ जाओगे, बाएं की तरफ का रास्ता इस तरफ चला जाएगा। नहीं समझते इसको, हर मर्ज की शफा थी इसमें, दोहराए चले जा रहे। ये एक पूरा रेला हफाज जिसे कहते हैं, सिर्फ हिफ्ज किया हुआ, कुछ माने नहीं जानते। इसी में वो फिर कारी आ जाते हैं, हिफ्ज भी किया है, पढ़ते भी हैं, फिर किरत के साथ गा गा के पढ़ा जाता है इसको। कानून की किताब गा के पढ़ने की, कुरान में ये लिखा हुआ है कि चोरी करने वाला और तो चोरी करने वाली हो, जुर्म के इवज में उसके साथ ये सजा उसको दो। अब इसको आप गाते चले जाइए कानून को।